नमस्कार साथियों, मैं हूं हरि नारायण कुमार। आप देख रहे हैं बीएसटी ऑल टिप्स। आप सभी का बीएसटी ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ई श्रम कार्ड के बारे में, जिसमें आप 500 रुपया प्रति माह आपके खाता में भेजा जाएगा। और ये कौन सरकार देती है, आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगा। सभी साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से मेरा मनोबल दोगुना हो जाता है। साथियों, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। फ्रेंड, ई श्रम कार्ड पर मैंने ये भी वीडियो बना चुका हूँ और बहुत सारा मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट पे जा कर के चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने पैन कार्ड से रिलेटेड भी वीडियो बनाया है और बिना प्रिंट निकाले फ्री में आप कैसे कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी ई श्रम कार्ड होल्डर उत्तर प्रदेश में ई श्रम कार्ड योजना के अंतर्गत 7 जनवरी की सुबह तक कुल 7.27 करोड़ फॉर्म जमा हो चुका है। यूपी की योगी सरकार द्वारा ई श्रमिक कार्ड धारकों को हर महीने 500 रुपया देगी। इसी योजना के तहत पिछले 1.50 करोड़ श्रमिकों के खाते में पिछले सोमवार को योगी सरकार द्वारा हर खाते में 1,000 रुपया भेजा गया है। ई श्रम खाते में अब तक नहीं आए 1,000 रुपये, तो इन 5 तरीकों से आप चेक कर सकते हैं पेमेंट। यूपी सरकार की श्रम कार्ड स्कीम के तहत श्रमिकों को और कामगारों के खातों में 2 महीनों की राशि ट्रांसफ़र की कर रही है। जिन्हें पहले किस्त जमा हो नहीं है उन्हें 2 किस्त एक साथ दिया जाएगा। आप भी अपने खाते में ई श्रम कार्ड का पैसा चेक कर सकते हैं। ई श्रम कार्ड स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके लोगों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ई श्रम कार्ड रखने वाले श्रमिकों के खाते में भरण पोषण भत्ता जारी कर रही है। जो श्रमिक इस भत्ते के लिए पात्र हैं उन्हें खाते में पैसे जमा कराए जा रहे हैं। प्रति महीने 500 रुपये की दर से 2 महीने की किस्त जारी की जा रही है। इस तरह हर श्रमिक के ई श्रम कार्ड के खाते में 1,000 रुपये जमा किए जा रहे हैं। ई श्रम कार्ड से जो बैंक खाता जुड़ा होगा उसमें किस्त की राशि जमा कराई जाती है। आप भी चाहे तो आसानी से किस्त के पैसे को चेक कर सकते हैं। मैंने आज यही बताने वाला हूं। यूपी सरकार यानी योगी गवर्नमेंट ने श्रमिकों के खाते में भरण पोषण भत्ता देने से पहले पूरे प्रदेश के कामगारों का आंकड़ा जुटा था। दिसंबर अंत से ही श्रमिकों के खाते में ई श्रम से जुड़े भत्ते का पैसा जमा कराया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए तकरीबन 2 करोड़ कामगारों का लक्ष्य तय कर पैसे ट्रांसफ़र कर रही है, लेकिन अभी सभी श्रमिकों के खाते में पैसे नहीं डाले जा सके हैं। इसे देखते हुए अब 2 महीने का पैसा एक साथ जमा किया जा रहा है। प्रति महीने 500 रुपये के हिसाब से खाते में 1,000 रुपये जमा कराए जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं, अभी तक आपको नहीं मिला है तो आप यह पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के अंतर्गत जमा कराए जा रहे हैं, आपको भी मिल सकता है। बस अति इसमें देखिए किन लोगों को मिलेगा फ़ायदा। ई श्रम कार्ड स्कीम का फ़ायदा समाज के कई अलग अलग वर्गों के लोगों को दिया जा रहा है। इनमें रेहड़ी पटरी वाले, खोमचा लगाने वाले, रिक्शा और ठेला चालक, नाई, धोबी, दर्जी, मूची, फल, सब्जी और दूध बेचने वाले लोग इसमें शामिल है। तो इसमें आपका है तो पहले इसमें मिलेगा, बारी बारी से सभी को दिया जाएगा। इसके अलावा घर बनाने जैसे काम में लगे श्रमिक भी शामिल है। कोरोना की पहली लहर में सरकार ने अन्य राज्यों से यूपी में लौटे श्रमिकों की आर्थिक मदद की थी। आपको मैं बता दूं कि जो यूपी सरकार ही अभी दे रही है, अब फिर से इस श्रम कार्ड स्कीम के तहत इन श्रमिकों के भत्ते के रूप में पैसे दिए जा रहे हैं।
जिनके खाते में पिछले महीने राशि नहीं आई है उन्हें 2 महीने का पैसा जोड़ कर दिया जाता है, यानी पिछले महीने 500 और इस समय 500। तो चलिए कैसे चेक करें स्टेटस, हाउ टू चेक श्रम कार्ड पेमेंट स्टेटस, स्टेटस आप कैसे चेक कीजिएगा। तो आपके ई श्रम कार्ड में सरकारी पैसा पहुंच रहा है या नहीं, इसके 5 आसान तरीके से आप चेक कर सकते हो। आपके बैंक खाते में जो मोबाइल नंबर लिंक है उसका मैसेज चेक करिए। सरकार जब भी इस तरह के फंड का ट्रांसफ़र करती है तो मोबाइल पर मैसेज आता है, इससे पता चल जाएगा कि आपका पैसा क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर बैंक खाते से मोबाइल लिंक नहीं है तो अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में जाइए, वहां पर आप पता कीजिए या मोबाइल नंबर को पहले लिंक करा सकते हैं। आपको पता बता दिया जाएगा कि पैसा ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ है। आप चाहे तो अपने पासबुक की एंट्री करा कर जान सकते हैं, एंट्री में दिख जाएगा कि ई श्रम का पैसा आया है या नहीं आया है। हमारे कहने का मतलब है कि जो पासबुक होता है उस पासबुक का प्रिंट करा सकते हैं। पासबुक प्रिंट करा लीजिएगा तो पूरा आपको पता चल जाएगा, तो पासबुक को आप प्रिंट करा सकते हैं। साथ साथ आप चाहे तो आप अपने मोबाइल नंबर को लिंक करा सकते हैं। मोबाइल लिंक रहेगा तो मोबाइल में अगर आपके पास गूगल पे है, पेटीएम है, फोन पे है तो उसके वैलेट से आप पता कर सकते हैं, तो उससे भी बैंक का खाता चेक कर सकते हैं। गूगल पे से बैंक के टोल फ्री नंबर भी होता है, उस पर आप फ़ोन करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। बस अत आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर लिंक रहेगा तभी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया है कि देखिए जो ई श्रम कार्ड है आपको बनाना ज़रूरी है। मैंने एक वीडियो भी बना दिया है कि भाई ई श्रम कार्ड कैसे बनाया जाता है, फॉर्म कैसे भरा जाता है, और घर बैठे आप स्टेप बाय स्टेप आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें कहीं दोहराई नहीं है, आप खुद अपने से अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है इस वीडियो का आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हो सकता है कि आपको पैसन एंड स्किल्स आपको भरने में गलती होगा तो आप ये भर सकते हैं, ये गलती नहीं कीजिएगा। और साथ साथ मैं आपको एक नोटिस बता दूं कि आप अभी तक आप ई श्रम कार्ड तो बना लिए हैं और वेट कीजिए, आपका आएगा। यूपी सरकार अभी सिर्फ दे रही है, यूपी सरकार के बाहर है तो वो नहीं, उसका नहीं होगा। तो आप हमारे चैनल इनर बीएसटी ऑल टिप्स को सब्सक्राइब की, लाइक कीजिए वीडियो को। कौन सा ज़िला में कब ट्रेनिंग होता है, क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेकेशन जो भी रिलेटेड है वो लोग अपना आपको सपोर्ट जरूर करेंगे। तो आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब उद्यमी योजना में हैं तो बीएसटी ऑल टिप्स टेलीग्राम पे ज्वाइन कर जाइए। टेलीग्राम पे ग्रुप भी चलता है और प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है, ठीक है, अगर आपके मोबाइल में नहीं है इंस्टॉल है, क्योंकि आप इस वीडियो को देखते हैं स्मार्टफोन आपके पास जरूर होगा। तो स्मार्टफोन है आपके पास तो प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टाग्राम आपको डाउनलोड करनी है। ज़्यादातर